अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ राफिया और आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन टिक्का। आपने लेनी है हाफ के जी चिकन और आपने उस चिकन के अंदर जो है वो डालना है, उसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। उसमें डालिए 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून दही के। ये सब आपने डालना है। 2 टेबलस्पून दही के आपने डाले और अब आपने इसको अच्छे तरीके से इतना मिक्स करना है कि चिकन के ऊपर जो है वो सारा मिक्सचर लग जाए। फिर जब आपकी चिकन के ऊपर सारा मसाला लग जाएगा तो आपने इसे 15 to 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर मिनट्स ले लीजिए, लेकिन आपने इसको कुछ देर के लिए मैरिनेट होने के लिए ज़रूर रखना है। अब आप एक बर्तन में ऑयल ले लीजिए और ऑयल अगर आप टेबल स्पून से मेजर करते हैं तो आप अराउंड 8 to 9 टेबल स्पून आपने ऑयल ले लिए। उसके अंदर आपने 2 मीडियम प्याज चॉप करके डाल ली है। अब हम इनको फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करना है इसको कि ये लाइट ब्राउन कैरेमलाइज से हो जाए। फिर हम आगे इसके अंदर और ऐड करेंगे। तो अब हम ये अपनी प्याज जो है फ्राई कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज जो है वो कैरेमलाइज हो गई है। अब हम इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 बड़े या फिर 3 मीडियम साइज़ आप ले सकते हैं, आपको डिपेंड करता है। कुछ लोग टमाटर ज़्यादा नहीं पसंद करते तो आप लोग अपने हिसाब से 2 या 3 टमाटरों का पेस्ट जो है वो बना। और पेस्ट बनाने के लिए आपको बस ये करना है कि उन्हें कट करके और ब्लेंडर में डालें, 1/2 कप पानी डालें और उनको अच्छी तरह से पेस्ट बना लीजिए, उसका रनी पेस्ट बना लीजिए। और फिर उसके बाद आपने वो इस प्याज के अंदर डाल देना है। अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। आप इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, क्योंकि हल्दी जो है वो हम चिकन पे भी मैरिनेट करने के लिए यूज़ कर चुके हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अगर आप ज़ीरे को भून लेंगे और फिर आप उसका पाउडर बनाएंगे तो वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी टच देता है। मैंने इस वक्त बग़ैर भुना हुआ ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल किया। अब हम इस सब को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और फिर इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे कि हमारा मसाला भी अच्छी तरह से कुक हो जाए और हमारी जो है, साथ में आप नमक भी डालिए। नमक आप एंड थोड़ा एंड पे भी डाल सकते हैं, जब चिकन ऐड करने के बाद दोबारा पानी डालते हैं आप तब भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले डाल लेते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। अब ये हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत रेड कलर इसमें आ रहा है। अब आप इसमें चिकन ऐड करेंगे, जो मैरिनेट हुआ हुआ चिकन था वो हमने ऐड कर लिया। इसको हम अच्छे तरीके से मसाले को और चिकन को मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च जो है वो चॉप करके आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, आप एंड पे भी डाल सकते हैं, आप इन बिटवीन भी डाल सकते हैं, बीच में भी डाल लेंगे तो कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा सालन के अंदर फ्लेवर आ जाएगा और फिर आप जब उसे गार्निश करने के लिए भी आप हरी मिर्चें यूज़ कर सकते हैं।
अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर जो है वो पानी डाल के इसको कुक होने के लिए रख देंगे ताकि हमारी चिकन गल जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मिक्स हो गया सारा मसाला हमारा और खुश्क हो गया, ये चिकन पे अच्छी तरह से लग गया है मसाला। अब हमने इसके अंदर जो है वो पानी डाल दिया है, अब हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी चिकन नहीं गल जाती, अगर आपको लगे कि आपका पानी, आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, मैंने प्रेशर कुकर में नहीं बनाया था, मैंने एक खुले पतीले के अंदर ही बनाया था। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो फिर आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से टाइमिंग्स उसकी चेक कर लें। कुक होने के बाद आपका ये मज़े का चिकन सालन जो है वो रेडी हो गया है। आप इसको चाहें तो धनिए के साथ, हरी मिर्चों के साथ गार्निश कीजिए और गरम गरम नान के साथ सर्व कीजिए। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई हो। अल्लाह हाफिज़। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को देखिएगा फिर लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।